हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 क्वेश्चन 6 11.2। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 मीटर लॉन्ग, फाइंड लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। लेट लेंथ ऑफ द अदर डायगनल ऑफ रोम्बस बी एक्स। रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। तो एरिया ऑफ गिवन रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो 6 × 4 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 d2। सो 24 इज इक्वल टू हाफ d1 × d2, तो उसके ऊपर से हमें एक्स मिल जाएगा, राइट? सेकेंड डायगनल मिल जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रोम्बस है, रोम्बस ड्रॉ करेंगे हम। ABCD डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो पूरा डायगनल 8 है, साइड उसकी 6 सेंटीमीटर है, तो आधा डायगनल 4 होगा। ओके, लेट लेंथ ऑफ द अदर डायगनल, लेट लेंथ ऑफ द अदर डायगनल ऑफ द रोम्बस डायगनल ऑफ द रोम्बस बी एक्स सेंटीमीटर, राइट? रोम्बस इज स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच एंड दैट इज इक्वल टू 6 × 4, सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? देन एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 d2, राइट? सो 24 इज इक्वल टू हाफ, d1 दिया है 8, d2 एक्स है, तो 2 × 4 = 8, राइट? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 24/4, तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। Therefore, length of other diagonal, therefore, the length, L-E-N-G-T-H, length of the other diagonal of the rhombus, diagonal of the rhombus is 6 centimeter. Okay, 6 centimeter. Then we will do question number 7. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।